मसीह यसु में आपकी सलामती हो। कलाम मुकद्दस को अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए खोलें और मुकद्दस मत्ती की इंजील के 13वें और 14वें अबवाब का मुताला आप अपने लिए करें। इन अबवाब में यसु की तमसीलें, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को सजाए मौत, मसीह यसु का 5,000 को खाना खिलाना, यसु मसीह का पानी पर चलना, इन अहम बातों का जिक्र हमें इन अबवाब में मिलता है। लेकिन खसूसियत से हम इस वक्त में 13वें बाब की 25वीं आयत पर गौर करेंगे। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 13वां बाब और 25वीं आयत में लिखा है, मगर लोगों के सोते हुए उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने बो गया। आमीन। कड़वे दाने बेशतर उकात सही दानों से ज्यादा, बहुत ज्यादा मुशाबत रखते हैं और उनकी पहचान जरा मुश्किल से होती है। इसी तरह बहुत से नाम के मसीही लोग ईमानदारों से घुल मिल जाते हैं और कलीसिया की रूहानी तरक्की में रुकावट का बायस बनते हैं। इसी तरह कड़वे दानों की एक दूसरी मिसाल वो मिलीजुली ग्रोह है जो बनी इसराइल लोगों के साथ मिस्र से निकली थी। वो लोग दुराने सफर हर दम हालात के खिलाफ बुड़बुड़ाते और अपनी तन आसानी के हसूल की खातिर वापस मिस्र को लौट जाने के ख्वाहिशमंद रहे। इनके दिलों में खुदा की मर्जी पूरी करने की कोई ख्वाहिश ना थी। आजकल भी जबकि हम मसीह के आसमान पर से वापस आने के मुंतजर हैं, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने आप को मसीही तो कहते हैं और किसी हद तक बाइबल मुकद्दस की इखलाकी तालीमात को भी मानते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी रूहानी जोश और तरक्की से खाली और बिल्कुल बेफल होती है, क्योंकि हकीकी मसीही जिंदगी महज मजहबी बातों के इल्म और इखलाक की पासदारी का ही नाम नहीं, बल्कि खुदा से शख्सी वाकफियत और उसके बेटे मसीह यसू की कबूलियत पर मबनी है। इस मुताला में जो खास सबक हमें मिलता है वो ये कि रोजाना जिंदगी में खुदा की मर्जी पर अमल करने वाला शख्स हर तरह के हालात से मसरूर और मुतमईन रहता है, क्योंकि उसे खुदा की कुदरत और मोहब्बत पर पूरा पूरा यकीन होता है। खुदावंद हमें ऐसा बनने की तौफीक बख्शे। आमीन।